विलेज स्कूल टीचर शैम्पू प्रैंक। एक गांव में लाल सिंह कहकर एक आदमी रहता था। वो बहुत अच्छा पढ़ाई किया, लेकिन उनको एक कमजोरी थी। वो हमेशा अपने आप को महान कहकर गप्पे मारता रहता था, इसलिए सब लोग उसको फेकू लाल कहकर पुकारते थे। सुबह सुबह पेपर लेकर वो गांव में आकर गप्पे मारना शुरू किया। सुना है क्या न्यूज? 500 रुपयों का नोट को बैन करने के लिए प्रधानमंत्री को मैंने ही चिट्ठी लिखा था, लेकिन मेरा अच्छा नाम आएगा बोल के उन्होंने मेरा आइडिया को कॉपी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा क्रिकेट टीम में जरूर सुरेश रैना रहना है कहकर BCCI को मैंने ही रिकमेंड किया था, इसलिए उनको लिए कहकर गप्पे मारना शुरू किया। वो ऐसे कहता था तो सब लोग उनका कान बंद करते थे और उधर से भाग जाते थे। कुछ दिनों के बाद उसे हिंदी मास्टर का नौकरी मिला। स्कूल में ज्वाइन होने के पहले दिन ही विद्यार्थियों को उसने उसका टैलेंट दिखाना शुरू किया। बच्चे, मेरा नाम आपको पता रहना चाहिए। आप सबको हिंदी में पंडित जैसा बनाने का जिम्मेदारी मेरा है, लेकिन उससे पहले मेरे बारे में आपको और भी पता होना चाहिए। विद्यार्थी कहे तो केवल पढ़ाई में ही नहीं, सब में आगे रहना चाहिए मेरे जैसे। खेल हो या गाना हो, आप सबको मेरा जैसा ही बनना है, वही मेरा इच्छा है, कहा तब एक बच्चा। अरे वाह, आप तो महान हो सर, सब लोग पढ़ो पढ़ो कहकर मानने वाले ही है, लेकिन आप जैसा तो कोई नहीं। असल में आपको कौन कौन सा कला पता है सर? तब लाल सिंह, एक क्या, सब कला मुझे आते हैं। आज चित्रकला, नाट्य कला और गान कला दिखाता हूँ। पहले मैं एक सिनेमा का हीरो चित्र बनाता हूँ, वो कौन है आपको पहचानना होगा, कहकर बोर्ड के ऊपर चित्र बनाया। बच्चे तो दिलचस्पी से देख रहे थे। आखिर में उसने एक बंदर का चित्र बनाया। तब लाल सिंह, देखा आपने, पहचाना है, यही है हमारा हीरो वरुण धवन, बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाया है ना, कहा। तब बच्चों को उसके बारे में समझ में आ गया। बाद में वो पागल जैसा नाचने लगा। वो देखकर बच्चे अपने सर खुजालने लगे। तब लाल सिंह, सुनो, एक वक्त में मैं हीरो बनने के लिए मुंबई गया था और मेरा डांस को देखकर गोविंदा घबरा गया। उनका प्रोड्यूसर को बुलाकर मुझे मुंबई से भेजने को कहा, नहीं तो अब तक मैं ठीक है। आखिरी आइटम गान कला क्या होता है दिखाता हूँ। सारे गामा पादानी सा, सरेगा 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 पापा 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 मामा मामा मा, सरेगा सरेगा नी 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 दादा दादा दादा, कहकर बेसुर में गाने लगा। तब सब बच्चे जोर से अपने कान बंद कर लिए और कुछ बच्चे तो आंख बंद करके बेहोश हो गए। वो देखकर देखा है आपने, गाना में शक्ति है, मेरा गान कला के वजह से बच्चे कैसे आंख बंद कर लिए हैं देखा है आपने। मैं मुंबई में एक बार गा रहा था तो वो सुनकर एक आदमी मुझे धोखा देकर गाँव वापस भेज दिया। बाद में पता चला कि उसका नाम कुमार सानू है, ऐसा मुझे आगे नहीं आने दिया है इन सब लोगों ने, कहा। तब एक बच्चा, सर आपका पीरियड खत्म हो गया है सर, आपको बहुत सारे कला आते हैं कहकर हमें पता चला, कल से हिंदी का पाठ पढ़ाइए सर प्लीज, कहा। तब लाल सिंह, अभी क्या हुआ, बकवास के हिंदी के पाठ परीक्षा से 2 दिन पहले भी सिखा सकता हूँ, तब तक आप मेरे बारे में सुनना चाहिए, कहा। उस दिन से बच्चों का मुश्किल दिन शुरू हो गए। लाल सिंह पीरियड आया तो बस गाने गाना, एक्टिंग करना, डांस करना, ऐसा फालतू काम करता रहता था। उससे बच्चे बाल खींच लेते थे। एक दिन स्कूल का हेडमास्टर आकर क्लास में फेकू लाल से, देखो लाल, कल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर DEO सर हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, वो आने तक सब टीचर्स तैयार रहना चाहिए, कहा। तब उन बच्चों को एक विचार आया। एक बच्चा, रे फेकूलाल का झंझट खत्म होना है तो इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए, कल ये स्कूल नहीं आना चाहिए, तब जरूर इसका नौकरी चला जाएगा, कहा। तब और एक बच्चा, वो कैसे मुमकिन होगा, ये लाल तो स्कूल को 10 मिनट पहले से ही आ जाता है, कहा। तब वो बच्चा सबको उनका प्लान बताया। अगले दिन वे स्टूडेंट्स मास्टर के घर के दीवार पर चढ़कर खड़े रहे थे। दोनों के हाथ में शैम्पू का बॉटल्स थे। इतने में लाल सिंह दीवार पर होने वाला शवर के नीचे नहाने के लिए आया। जब वो नहा रहा था तो बच्चे उनके सर के ऊपर शैम्पू लगा रहे थे। वो सर को मलना करने लगा और शवर के नीचे सर रखने लगा और बच्चे फिर से शैम्पू उनके सर पर डालने लगे। तब लाल सिंह को कुछ समझ में नहीं आया, शैम्पू का झाग नहीं जा रहा था और वो ऐसे ही पागल के तरह मलना करने लगा और, अरे बाप रे, ये क्या है, इतना झाग आ रहा है, एक तरफ तो स्कूल के लिए टाइम हो रहा है,
कहकर मलना करने लगा और फिर से बच्चे उनके सर पर शैंपू डालने लगे। ऐसा बहुत देर तक हुआ और वो ऐसे ही स्कूल के लिए भाग निकला। बच्चे भी उनके पीछे पीछे भागे। वो स्कूल पहुंचने तक डीईओ सर भी उधर आ चुके थे। हेडमास्टर उसे देखकर, अरे कौन हो तुम, ये अवतार क्या है, पागल कहीं का, बाहर निकलो, कहा। तब लाल सिंह, सर सर मैं लाल सिंह हूँ सर, कितना भी निकालने से ये शैम्पू नहीं जा रहा है सर, स्कूल को देरी हो रहा है कहकर ऐसे ही आ गया हूँ सर, कहा। तब डीईओ, अब से तुम्हें स्कूल आने की जरूरी नहीं है सर, मैं तुम्हें अभी निकाल दे रहा हूँ। तुम्हारे बारे में बच्चों ने मुझे कंप्लेंट लिखे थे, लेकिन मुझे भी एक कारण चाहिए ना तुम्हें निकाल देने के लिए, वो तो यही है देर से आने के लिए तुम्हें डिसमिस कर रहा हूँ, चलो इधर से, कहा। तब लाल सिंह सर पकड़ लिया और सारे बच्चे खुशी से तालियां बजाए।